बात बिहार की। बिहार में 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद का चुनाव होना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े, इसलिए पार्टी एमएलसी चुनाव लड़ रही है। वहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनका दमन कर रही है। तो चुनाव के बाद पता चले, हम लोग सब लोग को का फैसला था कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पे चुनाव लड़े और लोगों के कार्यकर्ताओं की मांग थी उसको हम लोग निभा रहे। आज देखे लाठी डंडा जो है, जो बेरोजगार लोग अपने अधिकार को मांगने आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, केस मुकदमा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये एक तो बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और किसी को भी मौजूदा सरकार से, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी को भी भरोसा इस मौजूदा सरकार से नहीं है। उम्मीद खो बैठे हैं लोग और कितने बार लोग ठगे जाएंगे। अब सब लोगों की असलियत जो है सामने आ चुकी है। अब नौजवान जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं। आप बताओ, MBA किया हुआ, इंजीनियर का डिग्री लिया हुआ लड़का, आज ये स्थिति है कि चपरासी और ड्राइवर में भी भर्ती नहीं होती।